मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मतलब कि जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से चेंजेस जो है अपन को देखने को मिलते हैं। अपन ने फर्टिलाइजेशन तक की बात कर ली थी कि जैसे ही जो है प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट, फर्टिलाइजेशन में से कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, जिसके थ्रू जो है एक तो जायगोट बनता है और एक जो है ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनता है। जायगोट रैपिडली डिवाइड्स एंड एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जायगोट। एंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहता है, दिस इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, ऑलराइट, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से मिलकर बनता है। ट्रिपल फ्यूजन इन द सेंस, एक तो डिप्लोइड पोलर न्यूक्लियाई होता है, इसके अलावा एक जो है मेल गैमेट होता है, दोनों आपस में फ्यूज करके जो है एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है। यहाँ तक अपन ने देख लिया था, देखने वाले हैं कि डायकोट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, व्हाट इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सो ऑब्वियसली ओव्यूल के अंदर जो है जायगोट फॉर्म हो गया है फर्टिलाइजेशन के बाद में। जायगोट जैसे ही फॉर्म होता है, जायगोट के अंदर जो है डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल बनती है, ऊपर वाली सेल को बोलते हैं टर्मिनल सेल, दैट इज ऑल्सो नोन एज टीसी, और नीचे वाली सेल को बोलते हैं बेसल सेल, दैट इज नोन एज बीसी। ऑलराइट, जायगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो सेल्स बनती है, ऊपर वाली को बोलते हैं टीसी टर्मिनल सेल और नीचे वाली को बोलते हैं बीसी, दैट इज बेसल सेल, राइट। अब दो सेल्स बनने के बाद में जो टर्मिनल सेल है, दैट्स गोना फॉर्म द एम्ब्रियो। ये तो किसको फॉर्म करेगी, एम्ब्रियो को, और बेसल सेल विल फॉर्म सस्पेंसर। सस्पेंसर जो एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कंटिन्यूअसली डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है एंडोस्पर्म के अंदर पुश करता रहता है, जिसकी वजह से जो है एंडोस्पर्म से डेवलपिंग एम्ब्रियो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो जो टर्मिनल सेल है वो एम्ब्रियो को फॉर्म करेगी, बेसल सेल जो है सस्पेंसर को फॉर्म करेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं टर्मिनल सेल की। टर्मिनल सेल के अंदर फर्दर डिवाइड डिविजन होते हैं, ऑब्वियसली डिविजन ऑल आर माइक्रोटिक डिविजन, सारे के सारे जो डिविजन होते हैं वो माइक्रोटिक डिविजन होते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल सेल के अंदर डिविजन होता है, डिविजन होने के बाद में इट फॉर्म्स फोर सेल्स एंड दीज आर नोन एज प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट, ध्यान रखना है स्टेजेस हैं इनको अपन को याद रखना है। पहले टर्मिनल सेल थी, टर्मिनल सेल के अंदर दो बार माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे जो है चार सेल बनती है, एंड दीज आर कलेक्टिवली नोन एज प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट। सेम वैसे ही बेसल सेल के अंदर भी कंटिन्यूसली कौन सा डिवीजन होता रहता है, ट्रांसवर्स डिवीजन, कौन सा डिवीजन होता रहता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता रहता है। ट्रांसवर्स डिवीजन होने के बाद में जो है कंटिन्यूअसली सेल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाती है, ऑलराइट, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सस्पेंसर। इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, सस्पेंसर बोलते हैं। अब सस्पेंसर की जो सबसे लास्ट वाली सेल है, सस्पेंसर की भी जो सबसे लास्ट वाली है टर्मिनल सेल है, वो टर्मिनल सेल जो है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके साइज में थोड़ी बड़ी हो जाती है, एंड दिस सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज ह्यूस्टोरियल सेल, दैट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज ह्यूस्टोरियल सेल, ऑलराइट। सो दैट इज ऑल अबाउट बेसल सेल। बेसल सेल के अंदर रैपिडली ट्रांसवर्स डिविजन होते रहते हैं, ट्रांसवर्स डिविजन होने की वजह से जो है सस्पेंसर फॉर्म होता है। सस्पेंसर की जो सबसे लास्ट वाली सेल है, इट इज कंटिन्यूसली सकिंग द न्यूट्रिशन, आफ्टर टेकिंग द न्यूट्रिशन इट बिकम्स एनलार्ज इन साइज, और जैसे ही साइज में एनलार्ज हो जाती है इट इज नोन एज ह्यूस्टोरियल सेल, ऑलराइट। इसको जो है ह्यूस्टोरियल सेल बोलते हैं। तो ये सस्पेंसर, ये ह्यूस्टोरियल सेल जो है सस्पेंसर की सबसे लास्ट वाली सेल होती है। इसके बाद में क्या होता है, अब ये प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट जो है ये नेक्स्ट फेज के अंदर एंटर कर जाता है, और वो नेक्स्ट फेज जो है उसको अपन बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। इट मींस प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट की जो सेल्स है वो रैपिडली डिवाइड करती रहती है, डिवीजन ऑब्वियसली दैट विल बी द माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू कंटिन्यूअसली जो है प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद में इट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल, कंटिन्यूअसली सेल्स के नंबर जो है इंक्रीज हो रहे हैं, ऑलराइट, एंड नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट। इसमें कन्वर्ट हो जाता है प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सस्पेंसर जो कि प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट के नीचे था, इसकी जो है कुछ सेल्स जो कि प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट के पास में या प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट के पास में होती है, वो साइज के अंदर बड़ी हो जाती है, एंड दोज आर नोन एज हाइपोफाइसिस। उनको क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। रैपिडली सस्पेंसर की सेल्स के अंदर भी डिविजन होते रहते हैं,
सस्पेंशन की सेल्स भी कंटिन्यूअसली डिवाइड होती रहती है। तो अभी अपन ने देखा था दिस जायगोट, जायगोट इज डिवाइडिंग ट्रांसवर्सली, इट इज कन्वर्टिंग इनटू टू सेल्स, टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल। टर्मिनल सेल इज फॉर्मिंग प्रोएम्ब्रियो क्वाड्रेंट एंड बेसल सेल इज फॉर्मिंग सस्पेंसर। प्रोएम्ब्रियो क्वाड्रेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोएम्ब्रियो ऑक्टेंट। सस्पेंसर के अंदर जो है हाइपोफाइसिस फॉर्म होती है, सेम वही हिस्टोरियल सेल होती है। इसके बाद में प्रोएम्ब्रियो ऑक्टेंट जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्लोमेरुलर शेप, मतलब कि वो जो ये जो भी एम्ब्रियो था ये एम्ब्रियो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लोमेरुलर शेप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब ग्लोमेरुलर शेप के अंदर क्या होता है कि जो ये प्रोएम्ब्रियो ऑक्टेंट था, प्रोएम्ब्रियो ऑक्टेंट के अंदर कंटिन्यूअसली डिविजन होते रहते हैं, और यहाँ पे जो डिविजन होते हैं दीज आर पेरिक्लाइनर डिविजन। यहाँ पे जो डिविजन होते रहते हैं दोज डिविजन आर पेरिक्लाइनर डिविजन। पेरिक्लाइनर डिविजन की वजह से जो है सेल्स को जिस प्रकार से अरेंज हो जाती है, एक तो बाहर की तरफ अरेंज हो जाती है और एक अंदर की तरफ अरेंज हो जाती है। जो बाहर की तरफ अरेंज होती है दो फॉर्म डर्मेटोजन इसको फॉर्म करती है, डर्मेटोजन या फिर आउटर मेम्ब्रेन को फॉर्म करती है। दैट आउटर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को फॉर्म करती है। और अंदर की तरफ जो सेल का बंच पाया जाता है वो सेल का बंच जो है किसको फॉर्म करता है, फ्लूमूल रेडिकल, इसके अलावा ये हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, रूट कॉर्टेक्स, रूट कैप, अंदर वाली जो सेल्स हैं सारी सारी स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है। राइट, सेम वैसे ही नीचे ऑब्वियसली जो है ये सस्पेंसर पाया जा रहा है, हिस्टोरियल सेल पाई जा रही है, हाइपोफाइसिस पाए जा रहे हैं, ये सारी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है। अब जैसे ही एम्ब्रियो ग्लोमेरुलर शेप के अंदर आता है, ग्लोमेरुलर शेप से जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हार्ट शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हार्ट शेप के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होता है, जो ये भी जो भी ये डर्मेटोजन के अंदर सेल्स हैं इनके अंदर उभार बनता है, अंदर की तरफ जो फ्लूमूल और रेडिकल को फॉर्म करने वाली सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करती रहती है, द नंबर ऑफ सेल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, और ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है ये फॉर्म करती है इसको कॉटिलेडन ग्रोथ, दे फॉर्म्स कॉटिलेडन। ऑलराइट, सो इससे हार्ट शेप बन जाती है। हार्ट शेप के बाद में फिर कौन सी शेप आती है, हॉर्सशू शेप। कौन सी शेप आती है एम्ब्रियो की, हॉर्सशू शेप, जिसके अंदर ये उभार कंटिन्यूअसली इनके अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन होता रहता है, और डिवीजन होने के बाद में टर्न हो जाते हैं, और टर्न होने के बाद में हॉर्स के शू की जैसे एक शेप ले लेते हैं, जिससे दो कोटिलेडन्स फॉर्म हो जाते हैं। अंदर ऑब्वियसली प्लूमूल पाया जा रहा है, रेडिकल पाया जा रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जा रहा है, एपिकोटाइल पाया जा रहा है, हाइपोकोटाइल पाया जा रहा है। ऑलराइट, इस सारी की सारी स्ट्रक्चर्स अंदर पाई जाती हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन डायगोट्स। पहले जायगोट फॉर्म हुआ, देन जायगोट से दो सेल्स टर्मिनल बेसल सेल फॉर्म हुई, देन प्रोएम्ब्रियो ऑक्टेंट फॉर्म हुआ, सॉरी प्रोएम्ब्रियो क्वाड्रेंट फॉर्म हुआ, देन प्रोएम्ब्रियो ऑक्टेंट फॉर्म हुआ है, उसके बाद में ग्लोमेरुलर शेप के अंदर कन्वर्ट हो चुका है एम्ब्रियो, इसके बाद में हार्ट शेप के अंदर एम्ब्रियो कन्वर्ट हो चुका है, और सबसे फाइनल के अंदर या फिर लास्ट के अंदर जो है हॉर्सशू शेप के अंदर जो है एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से कंटिन्यूसली सारी फेजेज आती है, ये फेजेज आपको पता भी होनी चाहिए। राइट, दैट इज ऑल अबाउट the post fertilization changes in the dicot. I hope you understood this.